कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कैद हैं। खतरनाक मुजरिम भी असीर हैं। जेल के बाहर रेंजर्स तैनात की जाए। जेल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को मरासला अरसाल कर दिया। इंतजामिया की चौकियाँ कायम करने के लिए CCPO से भी दरख्वास्त। इसी जेल में मनशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की खुबर मॉडल थ्रीसा भी कैद हैं। किसी को जोर जबरदस्ती से कब्जा नहीं करने देंगे, पुलिस फौरी तौर पर जायदाद सरबा मोहर करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शहरी की जायदाद पर तैफी भट्ट के खिलाफ कब्जे के इल्जाम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। तैफी भट्ट के बेटे की सरजनिश करके खामोश बैठने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तैफी भट्ट के साथ आए शहरी को कमरे अदालत से निकाल दिया। जायदाद के दस्तावेजात के फॉरेंसिक मुआयने का हुक्म भी जारी किया। सरकारी अराजी पर 32 पेट्रोल पंप्स की अराजी पर कब्जों का मामला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने DC सोहला सईद की दरख्वास्त पर अदखुद नोटिस ले लिया। लीज के खात्मे के बावजूद अभी तक काबिजीन मौजूद हैं। 15 बरस से 1 रुपया भी हुकूमत को नहीं दिया, डिप्टी कमिश्नर का मौकफ। चीफ जस्टिस ने तमाम काबिजीन से जवाब तलब कर लिया। न्यू खान अड्डा स्टॉप मेन बंद रोड पर सीवरेज सिस्टम नकारा, गंदा पानी सड़क पर जमा। रोड पर जगह जगह घड़े पड़ने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। और पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में ईफा स्कूल्स के कौमी सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों के हवाले से तकरीब। तुलबा ने हुस्न खैरात, नात खानी, कलाम इकबाल और उर्दू समेत अंग्रेजी तकरीरी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। तुलबा में नकद इनामात और गोल्ड मेडल तकसीम असनात से भी नवाजा गया। लाहौर बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात नासिर जमील अंजुम ने तकरीबात को खुशाइन करार दिया।